रेस्पेक्टेड लिसनर्स, डियर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि मतदाता उम्मीदवार को जाति और धर्म के आधार पर मत न दें, कि उसके पक्ष में मतदान न करें, वरन उसके द्वारा जो घोषणा की गई है स्पष्ट रूप से उलझा कर नहीं। कोई उम्मीदवार कह रहा है कि अगर मैं चुनाव में जीतता हूँ विधानसभा के चुनाव में, तो अपने 5 साल का जो वेतन और भत्ते हैं जितना भी बनेगा वो सभी मैं गौशाला में दूंगा। कोई उम्मीदवार ये भी कह सकता है कि मैं अमुक बालिका विद्यालय को दूंगा। ये विकसित लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा कर रहा हूँ मैं, डेवलप्ड डेमोक्रेसी। कुछ इसी प्रकार की अच्छी घोषणाएं और भी कर सकते हैं। एक उम्मीदवार को भारी समर्थन मिला था, उनके किसी कारणों से वो जीतने में विफल रहे, बट उन्होंने कहा कि मैं आपको आवारा पशुओं से, न मेरी सरकार है न बनेगी मेरे जीतने से, परंतु मैं अपने स्वयं की जेब के दम पर इतना सामर्थ्य रखता हूँ कि आपको आवारा पशुओं से मुक्ति दिला दूंगा, किसानों को फसलों की तबाही नहीं देखनी पड़ेगी, पशुओं को रोडों पर कुचलने का मौका नहीं मिलेगा, ये कार्य मेरा होगा, तब तक मैं आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँगा। बहुत अच्छी बातें हैं। एक बार मुझे याद है, पेशे से वकील, एक सांसद महोदय जो कहते थे आपसी विवाद फौजदारी के न हो, भाई भाई किसी में लाठी मारे, ऐसे मुकदमे में पैरवी नहीं करूँगा, वरिष्ठ वकील। यदि आपका किसी शासन के साथ कोई झगड़ा है, कोई अधिकार को लेकर, तो मुफ्त पैरवी मैं करूँगा, यहाँ तक कि आपको किसी प्रकार का एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। एक चिकित्सक जब मैदान उतरा तो उसने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को दवा तो नहीं दूंगा जेब से, पर मेरी काउंसलिंग फ्री होगी जब तक मैं विधायक रहूँगा। आज से मैं अपने हॉस्पिटल में और OPD बंद कर देता हूँ। आइए और निःशुल्क सेवाएँ लीजिए। जब आपने मुझे अपना सरदार चुन लिया तो सरदार सेवा करने के लिए होता है। आज मैं आज के सरदारों को यही कह रहा हूँ कि सरदारों, वोट लेकर सेवा करना भी सीखो। उन लोगों को दिखाओ कि तुम ठगे नहीं गए, मैंने तुम्हें सूद सहित या दुगना करके लौटा दिया। जन चर्चाएं हैं ऐसी, उन लोगों ने भारतीय समाज के मनोबल को ऊंचा किया है, लोगों को सोचने मजबूर किया है कि राजनीति में ऐसे लोगों ने भी पदार्पण कर रखा है जिनका लक्ष्य धनार्जन नहीं है बल्कि वास्तव में सेवा करना है। और राजनीति को लोकतंत्र में सेवा का माध्यम ही माना जाता है। जहाँ जहाँ ये चुनाव हों, तो पढ़े लिखे लोगों से, दूसरे प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करूँ और भारतीय जनता से भी करूँगा कि आप की लोगों की शिकायत है राजनेताओं की कि ये लोग ज़्यादातर बहकावे से जल्दी मतदान करते हैं, बड़ी संख्या मतदान कर देते हैं, इतना ज़्यादा ये किसी गुणी व्यक्ति के पक्ष में मतदान नहीं करते जितने पाखंडी पक्ष में कर देते हैं। तो पाखंडी पक्ष में मतदान ना किया जाए, गुण की पूजा की जाए। भारतीय समाज में ये चर्चा भी रही है कि गुण की पूजा की जाए, ये शुरू से कहते हैं कि गुण पूजो, गुणी पूजनीय है तो पूजें, परंतु गुणी को पूजें, बहकावे को नहीं। उस चिकित्सक को पूजें जिसने आपका दूध बढ़ाया है, पशु का, उस जिसने आपके दूध दुधारू पशु का स्वास्थ्य के लिए उसको पोषक तत्व दिए, उस डॉक्टर को पूजें, उस पाखंडी को नहीं पूजें जो बीड़ी पीकर तमाशा करता है, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, ओजा बोझा जो भी हैं, तांत्रिक जांत्रिक मांत्रिक, इनसे आप दूर रहें। इनका पदार्पण भारतीय राजनीति में भी हो रहा है,
उनसे बचें। और मुख्य रूप से मैं यही कहूँगा, गुणी के पक्ष में मतदान किया जाए, गुण को पहचाना जाए और गुणी लोग आगे भी आएँ। ये अच्छी सोचने की बार किस तरह की अफवाह फैलाई जाती है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं, काव्य भाव से कवि करा मैं तो मजाक लाजिम करा नहीं। भारतीय राजनीति अपहास उड़ाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के षड्य के लिए कवियों से मैं कहता हूँ, नेता बनकर देखो, 20 लोगों को दिन में बैठाता है, चाय पिलाता है और सभ्यता से बात करता है। करनी पड़ती है नेताओं को, एक प्रकार से पब्लिक डीलिंग उनका मेन प्रोफेशन होता है। इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए, उनके आचरण पर अंगुलियां उठाना, लोकतंत्र को अपमानित करना। मैं इस तरह के कवियों को कहना चाहता हूँ कि वो पुराने कवियों की तरह अपनी पेड़ और पत्तियों पर कविताएं बनाएं, चहकती चिड़ियों पर बनाएं और झरनों पर बनाएं। परंतु इस तरह की बातें हमें, पर्दा प्रथा समाज में लगभग विलुप्त होता था, महिला शिक्षा तेजी से बढ़ रही है और छुआछूत जैसी जो बुराइयाँ थी, डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसे उन्होंने कानून बनाए थे, भाई इस तरह के कार्य करने वालों को जूत मारो, प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। परंतु अब वो चीज़ें गौण हो चुकी हैं, वो बातें चली गई हैं। चाय की दुकान पर बदमाश चाय वाले कहते थे मैं उस जाति के लोगों की झूठे गिलास नहीं दूँगा, आजकल ऐसी कोई बात नहीं है, सर्व समाज के गिलास वहाँ तो ले जाते हैं। और ये नाई की दुकान पर है, सर्व समाज के बाल वहाँ काटे जाते हैं। भारतीय समाज इसी से बहुत ऊपर आ गया है, जिसके लिए साधुवाद का पात्र है। और ये भी देखा गया है कि एक स्थान पर बैठकर सभी समाज के लोग अच्छे से खाना भी खाते हैं, तो अच्छी बात है। इस शिक्षा और समझ ने जैसे इन दो बुराइयों को दूर किया जो भारतीय समाज के माथे पर कलंक थी, तो हम भी चाहते हैं कि गुणी के पक्ष मतदान की जाए। मुझसे बात ये थी और सरदारों से कहूँगा, सेवा करें। जो सेवक सरदार न हो, किक दैट सरदार, उस जैसे सरदार को भगा दिया जाए मेवक को, कि रोकर वोट लेकर और बाद में अंगूठा दिखाना ये बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए मैं निर्वाचित वर्तमान विधायकों से और भावी उम्मीदवारों से कहूँगा कि वो मोबाइल नंबर साझा करें निश्चित रूप से, ताकि कम से कम लोग उनके व्हाट्सएप पर लिख कर तो भेज पाएँ। छुपने की परंपरा भारत में बंद हो। सबसे बड़ी शिकायत जब हम मैदान में गए तो उन्होंने कहा कि सर बातें बहुत बनाते हैं पर फिर छुप जाते हैं। इस तरह की बातें गलत बात ना है। मैंने पहले कहा समाज में कहीं बुराई है, एक आदमी बुरा कर रहा है तो उसको सब पर न थोपा जाए, बुरे का नाम निकाला जाए कि वो बुरा सिंह वो है। और ये जो अपने मोबाइल नंबर जो है क्षेत्र के लोगों से दें ताकि वो बात कर सके, मैंने अधिकारियों के लिए कहा था कि लोकेशन ट्रेसिंग की आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप पर ये कि मैसेज दीजिए, कॉल अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ताकि जनता तक जुड़ पाए, संवाद स्थापित हो। मैं ये कहूँगा सरदारी से पूरी से कि आप संवाद स्थापित करें। इस तरह बातें चलती हैं समाज में। एक सी धुरंधर व्यक्ति है जो कहता है मैं मुख्य जनप्रतिनिधि से मिलना चाहता हूँ फ़ोन द्वारा, बात बताने का बात नहीं बनी। नहीं, सभी अपने नंबर साझा करें और इस पर भी डाल सकते हैं, नेट पर डाल सकते हैं, आजकल जो है साइट पर डाल सकते हैं, ताकि ज़रूरत के समय लोग उनसे संपर्क कर सकें। धन्यवाद।